आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। सेंधवा शहर थाने को चोरी की वारदात को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी। शहर थाने ने 4 लाख रुपए के नकबजनी का पर्दाफाश किया है। थाना प्रभारी शहर थाने की टीम ने चोरी की इस घटना से अंतर्राज्यीय गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 5 तोला सोना और नकदी 23,000 रुपए जब्त किए गए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के चलते ऑपरेशन प्रहार में संपन्न हुई। गिरफ्तार आरोपी आदतन बदमाश है, जिन पर कई अपराध दर्ज है। चोरी की यह घटना शहर के आनंद नगर के एक सूने मकान की 12 फरवरी 2024 की है। इस मकान में रहने वाला परिवार शादी के लिए इंदौर गया था। चोरों ने सूने मकान का मौका देखकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की इस घटना पर प्रकाश डाल रहे हैं शहर थाना प्रभारी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, देखिए सेंधवा से नजीबुद्दीन शेख की रिपोर्ट। चोरी का पर्दाफाश हुआ है, क्या है पूरा घटनाक्रम? जी, पुलिस थाना सेंधवा शहर पे 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात एक चोरी की घटना हमारे आनंद नगर राम कटोरा क्षेत्र हुई थी, जो कि परिवार नवीन जुनेजा जी का परिवार इंदौर किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। उनको जब इस घटना की जानकारी एक दिवस उपरांत लगी, उन्होंने 12 फरवरी को आकर हमारे थाने पर रिपोर्ट लिखाई और बताया कि उनके घर से जो है कुछ अज्ञात चोरों द्वारा घर का दरवाज़ा तोड़कर और घर में से नकदी 91,000 रुपये और सोने के आभूषण, जिनमें मुख्य रूप से एक सोने का हार, एक सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठियां और एक जोड़ सोने के टॉप्स चोरी कर लिए हैं, जिस पर हमारे द्वारा पुलिस थाना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और तत्काल ही आवश्यक टेक्निकल एविडेंस जो थे उनको कलेक्ट किया गया। घटना दिनांक के बाद से ही जो है हमारे द्वारा इसमें लगातार विवेचना की जा रही थी, जिसमें कुछ संदिग्धों के नाम हमें पता चले, जिनकी तलाश हम कर रहे थे, जिसमें मुख्य आरोपी जो है सिकंदर निवासी ओझर और अन्य लोगों का नाम सामने आया। हमने मुख्य संदिग्ध सिकंदर को अभिरक्षा में लिया। उसने बताया कि वो अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर चोरी करने आया था, जिसमें उसका एक साथी प्रहलाद जो कि उंडी खुदरी रहता है और एक प्रकाश पिता जुवान सिंह जो उसके ही गांव में ओझर थाना नागलवाड़ी क्षेत्र में रहता है, इन तीनों ने मिलकर चोरी की थी। हमने सभी को राउंडअप किया और इनके पास से चोरी में गए मशरूका, जितना भी मशरूका था वो पूरा नकदी जो है उसमें से कुछ इन्होंने खर्च कर दिया। नकदी भी हमने 23,000 रुपये की बरामद की है और सोने के आभूषण जितने भी थे वो सारे इनके पास से मिला है। और इनका एक साथी और था जिसको इन्होंने सोने का आभूषण, जिसमें प्रहलाद ने देना बताया था, उसको भी हमने, लखन नाम का है, उसे भी हमने राउंडअप किया है और सभी को अरेस्ट करके और कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। पहले भी इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? जी, इसमें से जो तीनों मुख्य आरोपी है, तीनों के ही आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें से सिकंदर के बड़वानी जिले में ही 2 चोरी के और एक दिल्ली का चोरी का अपराध है, 3 अपराध उसके हैं। और प्रकाश जुवान सिंह, इसके भी चोरी, आर्म्स एक्ट के प्रकरण और बलवा जैसी धाराओं के प्रकरण दिल्ली और बड़वानी जिले में हैं। इसके अलावा जो एक प्रहलाद है, इसका एक साधारण मारपीट का अपराध कोतवाली बड़वानी थाने पर है। सर, कितनी की मशरूका जब्त हुई है? टोटल मशरूका यदि हम नकदी के साथ और सोने के आभूषण को देखें तो ये करीब 4 लाख का मशरूका है।